हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन नेचर में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं कुछ प्लांट परचेस किया हूं और हमेशा की तरह मैं इस बार भी आप सबों से शेयर करूंगा मैं कौन सा प्लांट खरीदा। दोस्तों, मैं काफ़ी समय से कुछ ऑर्किड्स प्लांट्स के खोज का था, तो वहीं से मैं ढूंढते एक अच्छे सेलर मुझे मिले हैं जो कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं, और इनके नाम मैंने बहुत सुने थे कि बहुत अच्छे प्लांट सेल करते हैं, तो मैंने उनसे कुछ प्लांट परचेस किए हैं। दोस्तों, देखिए स्क्रीन में उनका नाम आ गया है। उनका नाम है अशोक साहा जी है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप इस नंबर से उन्हें फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके पास दोस्तों बहुत तरह के ऑर्किड्स के कलेक्शन हैं और बहुत कम ही लोगों के पास इतने तरह के कलेक्शन आपको मिलेंगे। तो मैंने भी कुछ प्लांट उनसे मंगाए हैं। हालांकि मुझे ऑर्किड्स के बहुत ज़्यादा तो नॉलेज है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा इस बार कि मैं दूसरे प्लांट के साथ ऑर्किड्स को भी अच्छे से ग्रो करूँ और उनसे मैं फ्लावरिंग लूँ। तो दोस्तों, ज़बरदस्त पैकिंग किए हैं उन्होंने, क्योंकि आने में करीबन 4 रोज के समय लगे मुझे। और देखिए पैकिंग किस तरह से किए हैं ताकि किसी भी तरह प्लांट डैमेज ना हो। ये पार्सल दोस्तों मुझे डिलीवरी कुरियर की तरफ से वो भेजे थे और वहीं से मुझे घर बैठे ये डिलीवर्ड हो गए। और अब देखिए दोस्तों, मैं धीरे धीरे इसको ओपन कर ले रहा हूँ और आप सबों के सामने होगा जो भी होगा, तो आप देखते रहिए वीडियो को पूरा। अब देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से 2-3 लेयर में इनका पैकिंग है और अंदर से भी कुछ कागज़ वगैरह डाल के इन्होंने प्लांट को सेव करने का कोशिश किए हैं। और ऑर्किड प्लांट तो ऐसे हैं दोस्तों, अगर ये ट्रांसपोर्टिंग में कुछ दिन ज़्यादा भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, पहला प्लांट देखिए मेरा निकला है, ये डेंड्रोबियम का एक सीडलिंग प्लांट है, एक छोटा सा प्लांट है दोस्तों, फिर भी बहुत ही हेल्दी कंडीशन में है प्लांट। दोस्तों, ये प्लांट का दाम 140 रुपीज़ मुझे पड़ा, जो काफ़ी किफ़ायती है दूसरे जगह के हिसाब से। और देखते हैं दोस्तों अगला प्लांट क्या निकलते हैं। देखिए दोस्तों, फिर अंदर भी पैकिंग, एक के अंदर एक पैकिंग। दोस्तों देखिए, ये एक मैच्योर्ड डेंड्रोबियम के प्लांट है और काफ़ी बड़े प्लांट है, ये रेडी टू ब्लूम है, कुछ ही दिनों में इनमें फ्लावर आ जाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं आप कितने बड़े प्लांट हैं, एक साथ 4-5 सूट इसमें निकले हुए हैं और कुछ कुछ नए भी निकल रहे हैं। और ये विथ पॉट है, अभी इनमें कुछ भी नहीं करना पड़ेंगे, सिर्फ इनमें इनको मुझे हैंगिंग करके रखने हैं, वो भी शेडी एरिया में। दोस्तों, इस प्लांट का दाम मुझे 270 पड़ा और इतने बड़े प्लांट शायद ही कई जगह आपको इतने सस्ते में मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, एक छोटा सा ओवरव्यू भी देख लेते हैं। मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरे गुलाब के बाग, यहीं बैठ के मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ आप सबों के लिए। तो आइए देखते हैं आगे और क्या प्लांट निकलते हैं। दोस्तों, ये है मेन प्लांट, जिस प्लांट के लिए मैंने इतना परचेस किया और इसी का खोज में था बहुत दिनों से। मैं मैच्योर्ड वांडा प्लांट का खोज कर रहा था दोस्तों, और मुझे यहाँ अशोक शाह जी से ये प्लांट मिला और वो भी बहुत किफ़ायती दाम में मिला। दोस्तों देखिए, इतने बड़े प्लांट है, बिल्कुल मैच्योर्ड प्लांट है और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी इसमें से फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, ये प्लांट का दाम है 760 रुपीज़ उन्होंने मुझसे लिए हैं, और इतने बड़े प्लांट दोस्तों 760 रुपीज़ में बहुत ही अच्छे दाम कहे जाएंगे। दोस्तों, इसके कलर भी मैं दिखा रहा हूँ इनके बगल में स्क्रीन में, देखिए इस प्लांट के किस तरह से फ्लावर आएंगे। ये विराट गार्डन का है, देखिए दोस्तों इसमें एक टैग भी लगा हुआ है। और ये सारे प्लांट दोस्तों इम्पोर्टेड है, ये थाईलैंड से इम्पोर्टेड प्लांट है, ये कोई लोकल वेराइटी नहीं है, इंडियन वेराइटी नहीं है। तो इसी तरह से दोस्तों देखिए, मैंने सारा प्लांट आपके सामने शेयर किया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखिए दोस्तों, टैग लगा हुआ है और मैं आगे भी बताऊंगा इसे कैसे केयर करना, कैसे रखना है। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें गार्डनिंग पसंद हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।